हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यूथ ट्वेंटी फाइव ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन यू आई ई एस विच देन 2200 टू हंड्रेड सेलेक्शन सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई एवरी वन अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो के अंदर स्पेस टूरिज्म की बात करी थी राइट तो so, उसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज uh, मैं हाईलाइट करना चाहूंगा दैट स्पेस की ना जो गवर्नेंस है एज ऑफ नाउ वो सेंट्रलाइज है नहीं है इट इज गवर्न बाय सर्टेन ट्रीटीज की ओके okay, हम लोग इसको गंदा नहीं करेंगे हम ये नहीं करेंगे हम वो नहीं करेंगे बट देर आर नो लॉज दैट गवर्न हाउ एक्चुअली स्पेस विल बी गवर्नड राइट दैट मीन्स कि कोई भी बंदा या कोई भी एंटिटी किसी भी चीज पे क्लेम डाल सकती है राइट right? कि जैसे देर आर सर्टेन साइट में क्लास में बच्चों से डिस्कस कर रहा था ये वाला एग्जाम्पल की देर आर सर्टेन साइट जो आपको मून के ऊपर एक्चुअली प्लॉट बेच के दे रहे हैं राइट right? और वो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट आएगा कि आपका मून पे यू कैन रजिस्टर अ प्लॉट ऑन मून इस टाइप की चीजें ऑलरेडी हैं वहां पे ये एग्जिस्ट कर रही हैं और ये तभी एग्जिस्ट कर पा रही है बिकॉज एम्बिग्यूटी है जो एम्बिग्यूटी है वो हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर ने हाईलाइट करी है फॉर दी एंटार्क्टिका रीजन हमारे अर्थ के ऊपर राइट right? करंट अफेयर क्या है ये भी अपने आप में बहुत मजेदार एक एक करंट अफेयर है दैट इंडियन पोस्ट का जो है वो एक ब्रांच खुलने वाली है आपकी के अंदर विल बी ब्रांच है ना जिसको पिन कोड जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर ये उनका प्रोटोकॉल है एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर स्टार्टिंग में देते हैं पिन कोड जो है दैट इज एमएच सेवनटीन और वन राइट तो एम एच वन सेवन वन एट द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ओपन द सेकेंड ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस पहले वाली मैं आपको बताऊंगा अभी

आर लोकेटेड थ्री थाउजेंड किलोमीटर पार्ट राइट नोटिबली बोथ द ब्रांचेस आर पार्ट ऑफ गोवा पोस्टल डिविजन ये इंपॉर्टेंट है बच्चे मी क्लियर इट ऑल स्पॉन्डरलाइन करते हैं सही से ये देखिए पार्ट ऑफ गोवा पोस्टल डिविजन बच्चे देखिए पार्ट ऑफ गोवा पोस्टल डिवीजन 1984 शॉर्टली आफ्टर इंडिया पोस्ट ऑफिस ऑन कर लीजिए दक्षिण गंगोत्री द नेशन फर्स्ट साइंटिफिक पहला आपको पोस्ट ऑफिस कब नाइनटीन के अंदर और दक्षिण गंगोत्री उसके बाद में सबमर्ज हो गया इन आइस है ना उसके बाद डीकमीशन हो गया राइट आइए बच्चे आगे देखिए ऑलमोस्ट फोर फॉर दैटरटिका विल नाउ है न्यू पिन जो मैंने आपको बता दिया राइट इन प्रैक्टिस द द लेटर्स मेंट फॉर पोस्ट ऑफिस इन आर सेंट टू देखिए पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे सिर्फ वही है कि पोस्ट इसको पिन कोड वगैरह साइन कर दिया पोस्ट ऑफिस ने जो है बाकी सारा काम कर दिया है एवर जो लेटर्स हैं उसको लॉजिस्टिकली वहां पे पहुंचाना और वहां से लेके आना ये इस ये पोस्ट इंडियन पोस्ट के हाथ बस का काम नहीं है उसके लिए वी नीड अर प्रीमियर एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस वन एनसीपीओ आर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च द नोडल एजेंसी फॉर इंडिया पोलर एक्सपीडिशन इन गोवा इसका हेड ऑफिस गोवा में है राइट नेशनल सेंटर फॉर नाम पढ़िए ध्यान से पोलर एंड ओशन रिसर्च यानी कि इंडिया का जो डी एम ए डीप ओशन मिशन राइट right? या फिर एनी एनी ओशन मिशन जो भी हम uh, करते हैं एनीथिंग रिलेटेड टू डीप ओशन वो प्लस आपका एंटार्टिका का जो जितनी भी ये हमारी वहां पे एक्सपेरिमेंट्स वहां पे लगे हुए हैं साइंस साइंस के जो बेसिस हैं वो लगे हुए हैं राइट right? वो सारे उनका लॉजिस्टिक्स ईच एंड एवरी थिंग इज गवर्न कंट्रोल्ड एंड फैसिलिटेटेड बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन राइट थोड़ा सा और देख लेते हैं बच्चे इसके बारे में मीन वैल यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल रेलिक ये एक लेटर है जिसके ऊपर एक स्टैंप है जिसके ऊपर मैत्री एंटार्टिका की स्टैंप है आई थिंक आपकी फोटो में थोड़ा सा अनक्लियर आ रहा होगा राइट सो अगेन बाय द वे ये कलेक्टर्स आइटम है ये है ना और इसके बाद में जो एम एच वन सेवन वन एट है इसकी भी जो आपकी पोस्ट वगैरह आएंगी चिट्ठियां आएंगी ये भी एक कलेक्टिवल कलेक्टर्स आइटम जो है वो बनने वाली है अगर उसकी स्टैंप लगती है उसके ऊपर राइट आइए बच्चे आगे चलते हैं गवर्नेंस देखते हैं इसके जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्पेस सेक्टर के अंदर भी कोई सिर्फ ट्रीटीज के थ्रू ही उसका काम चल रहा है सेम इट इज दटिका ट्रीटी विच पुट्स असाइड देखिए बच्चे ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है सो दिस इज एंटार्क्टिका एंटार्क्टिका ट्रीटी है ये बच्चे साइड ये देखिए टेरिटोरियल क्लेम्स बाई एनी कंट्री प्रोहिबिट्स मिलिट्री एक्टिविटी और न्यूक्लियर टेस्टिंग एंड अंडरलाइंस देंट कैन ओनली बी यूज फॉर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन मतलब टेक्निकली इस ट्रीटी के थ्रू एंटार्क्टिका को एक साइंटिफिक रिजर्व जो है वो घोषित कर दिया गया है कि यहां पर साइंस होगा और कुछ नहीं होगा

टिपिकली एन इंडियन पोस्ट ऑफिस कैन ओनली बी इन द जूरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन लैंड इसलिए एम्बेसीज वगैरह में खोलने की एक बात है बट क्योंकि आप टेरिटोरियल क्लेम डाल ही नहीं सकते वहां पे राइट दैट मीनस कि ये आपका इंडियन लैंड के ऊपर नहीं है ये गेटिंग माई पॉइंट एंटार्क्टिका ट्रीटी ये देख लेते हैं एंटार्टिक ट्रीटी सिस्टम इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट गवर्न एक्टिविटीजार्टिका ये मैंने आपको बेसिक बता भी दिया एज है टोल्ड यू जहाँ पे पहले आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा जो फर्स्ट टाइम ओपन किया गया था एंटार्टिक ट्रीटी के अंदर राइट right? कि हम उसको साइंटिफिक 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 उसके लिए ही प्रिजर्व प्रिजर्व करेंगे इट एज अ एंश्योरिंग फ्रीडम फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोहिबिटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज राइट तो ये आपको डायरेक्टली सवाल आ सकता है कि कौन सी ट्रीटी मिलिट्री uh, एक्टिविटी को कंप्लीटली प्रोहिबिट करती है दैट इज दिस पर्टिकुलर ट्रीटी फॉर द एंटार्क्टिक रीजन राइट right, बच्चे इसके अलावा जो मैं आपको एनसीपीओ के बारे में बता रहा था नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च राइट इट्स एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ये बच्चे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है आपका विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है एक्सप्लोरिंग पोलर एंड ओशनिक रेमस राइट इसके अलावा इट सर्व एज द प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्लानिंग प्रमोटिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग तो मैं वही बोल रहा था आपको कि ये लॉजिस्टिक्स वगैरह मैनेज करते हैं पोलर एंड सर्दर्न ओशन रिसर्च इन इंडिया राइट

weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024